रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर एक शख्स ने कहा था, हुजूर दिल बड़ा डाढ़ा हो गया। और सहाबा महसूस करते थे, सहाबा इस बीमारी को समझते थे, या रसूल्ला दिल सख्त हो गया, क्या करूं? फरमाया, कोई यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता फरमाए। यतीमों के सरों पे हाथ रखा कर, कल्ब नर्म होगा, दिल नर्म हो। देखिए, अल्लाह ताला ने हुजूर को हौसले का पहाड़ बनाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किलात मुझ पे आई, लेकिन जो रिक्कत थी ना हुजूर की तबीयत में, जो नरमी थी वो इतनी अनोखी थी। हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए जंगे मौता में। नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके घर आए, हुजूर सब्र का दर्स देने वाले, 500 के करीब कमोबेश अहादीस व आसार आपको मिलेंगे सब्र के उनवान पर, 100 के लगभग आयात मिलेंगे हुजूर सब्र का दर्स देने वाले। लेकिन करीम उनके घर गए, उनकी बेटी सरकार के सामने हाजिर हुई तो बेटी बाप की याद में रो पड़ी। हजरत साद बिन उबादा कहते, मैं भी हाजिर था, बेटी रोई तो हुजूर भी रो पड़े। मैंने अर्ज की, हुजूर आप भी रोते हैं, ये आंसू आपके भी निकल आए? तो हुजूर फरमाने लगे, ये एक मोहब्बत करने वाले का एक मोहब्बत करने वाले के लिए इजहार मोहब्बत है। ये जो आंसुओं का निकल आना, ये जो दिल का ना, बल्कि हजरत साद इब्ने उबादा एक दफा बीमार हो गए थे तो नबी करीम उनको बीमारी में देखने गए तो उनको बीमार देख के हुजूर रो पड़े। यार ये हालत हो गई है इसकी, ये नरम दिली नबी करीम की, रिक्कत कल्बी, हुजूर के कल्बे अधर पर जो नरमी है सख्त ना हो, डाढ़ी जिंदगी ना गुजारो। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिर के लिए सख्त होंगे, रुहमाउ बैनहुम, आपस में तो मेहरबान रह के वक्त गुजारना। अपने अपने दिल से पूछो, बड़े टेस्ट कराते हो, बड़ी इको कराते हो और बड़े कुछ कराते फिरते हो, कभी कभी ये भी देखा करो, डाढ़ा कितना हो गया, माफ क्यों नहीं करता, इसे प्यार क्यों नहीं आता, इसे रोना क्यों नहीं आता, इसमें दर्द क्यों नहीं पैदा होता। ये भी थोड़ा सा देखा करो कि इसका मेयार इस हवाले से इतना सख्त क्यों हो गया है, इसमें नरमी नहीं आती, किसी के लिए तड़पता ही नहीं, वो भी कोई दिल है कि दिल हो और तड़प ही ना हो। अपनी तबीयत पर गौर करें, मिजाजन सख्त ना बने, तलख ना बने, किसी के बारे में भी सोचें, किसी और का भी एहसास करें, किसी और के बारे में भी गौर करें। आपका दिल किसी के लिए भी धड़कना चाहिए, अपनी जात से शुरू होके और अपनी ही जात पर चीजों को खत्म कर लेना, ये क्या दानिशमंदी है।